हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेनॉल्ट कंपनी की तरफ से आई बहुत ही अच्छी हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी के यहाँ पर आपको जॉब रोल देखने मिल जाती है, तो सभी चीजें मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए तो अगर आपने बीई बीटेक एमई एमटेक किया है और अगर आप 2020 एंड 2021 पास आउट बैच से हो तो डेफिनेटली जॉब रोल में अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिस्कस करने वाले, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करने वाले, तो वीडियो का एंड तक के जरूर देखें। किस तरह से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको वेरियस ऑफ कैंपस ड्राइव देखने मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम रेनॉल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जो कि यहाँ पे जॉब रोल पोस्ट की गई है firstnaukri.com वेबसाइट पर। आप देख सकते हो रेनॉल्ट निसान टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सेंटर इंडिया, ठीक है। आप देख सकते हो हायरिंग फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की जॉब रोल होने वाली है। 3.5 से 4.2 एलपीए का पैकेज होने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पैकेज है फ्रेशर्स के लिए। जॉब लोकेशन की बात कर ली जाए तो चेन्नई देखने मिल जाती है और यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने मिल जाती है। सबसे पहले चीज आपको करनी होगी डिजाइनिंग, कोडिंग और टेस्टिंग करनी होगी, साथ साथ एप्लीकेशन की डीबगिंग करनी होगी, तो ये बेसिक रोल देखने मिल जाता है। इंटरेक्ट विद डिजाइनर, आर्किटेक्चर एंड अदर डेवलपर्स टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट एंड पॉसिबल सॉल्यूशन ऑप्शन। तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, डिजाइनर आर्किटेक्चर और डेवलपर से, उसके बेसिस पे आपको कोड डिजाइन करने होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग कंपोनेंट एंड प्रोग्राम डिसीजन, टेस्टिंग द प्रोडक्ट इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, इन्वेस्टिगेट प्रोडक्ट इश्यू एंड बॉटलनेक, रिव्यूइंग करंट सिस्टम एंड प्रेजेंटिंग आइडियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो कोडिंग से कोडिंग के सराउंडिंग में, कोडिंग के एनवायरमेंट में जो भी वर्क आ जाता है वो सभी चीजें यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है। यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने मिल जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए तो अगर आपने बी बी टेक किया है सी एस सी आई टी ट्रिपल ई ई सी आई एन ई एन आई सी फील्ड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग 2020 एंड 2021 देखने मिल जाता है एंड 70% एग्रीगेट देखने मिल जाता है अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, और नो स्टैंडिंग बैकलॉग्स, ये बेसिक चीजें यहाँ पे मेंशन की गई कि आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए करंटली। और यहाँ पर भी आपको 3 ईयर बॉन्ड देखने मिल जाता है और अप्लाई बटन देखने मिल जाता है, यहाँ से आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।